भले ही सिनेमा जगत में वंशवाद और स्टार किड्स पर समय समय पर चर्चाएं होती रहती है, लेकिन स्टार किड्स के मामले में फिल्मकारों की दिलचस्पी कम नहीं हो रही है। अब अभिनेता सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान को ही देख ले। बता दें कि सैफ और उनकी पहली पत्नी अमृता सिंह के बेटे इब्राहिम निर्देशक कायोज ईरानी की फिल्म सरजमीन से हिंदी सिनेमा में डेब्यू करने वाले हैं। अभी उनकी इस फिल्म की रिलीज डेट सामने नहीं आई है। इस बीच खबर है कि उन्होंने अपनी दूसरी फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। सिनेमाई गलियारों की रिपोर्ट के अनुसार इब्राहिम अपनी दूसरी फिल्म कुणाल देशमुख के निर्देशन में कर रहे हैं, जिसके लिए हाल ही में उन्होंने चंडीगढ़ में करीब 10 दिनों तक शूटिंग की है। फिलहाल इस फिल्म का नाम दिलेर बताया जा रहा है। यहाँ एक स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है जिसमें इब्राहिम मैराथन खिलाड़ी की भूमिका में नजर आएंगे। बता दें कि फिल्म की कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। वहाँ एक ऐसे लड़के के इर्द गिर्द घूमती है जो अपनी प्रतिभा को गंभीरता से नहीं लेता है। जिंदगी में आए एक रोचक मोड़ से वह अपनी प्रतिभा पर काम करना शुरू करता है और सफलता अर्जित करता है। वही फिल्म का अगला शेड्यूल हिमाचल प्रदेश में शूट किया है। इस फिल्म की अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, न ही इसके बाकी के कलाकारों को लेकर कोई खास जानकारी सामने आई है। वही इब्राहिम की पहली फिल्म की बात करें तो उसमें उनके साथ अभिनेत्री काजोल भी अहम भूमिका में होंगी। ऐसे ही मूवी न्यूज़ अपडेट रहने के लिए मूवी मसाला को भी सब्सक्राइब करें।